फिल्म अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत के साथ गुरुवार दोपहर चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर बदसुलूकी का एक मामला सामने आया है। कंगना को CISF की एक महिला कांस्टेबल ने थप्पड़ मार दिया। वहीं जब दिल्ली जाने के लिए बोर्डिंग से पहले सुरक्षा जांच के लिए खड़ी थी, उसी दौरान ये घटना घटी। आरोपी महिला कांस्टेबल कुलबिंदर कौर को सस्पेंड कर हिरासत में ले लिया गया है। बता दें कि दिल्ली पहुंचने के बाद कंगना ने कहा कि हमला करने वाली महिला कांस्टेबल खुद को किसान आंदोलन का समर्थक बता रही थी। उन्होंने कहा कि वह पंजाब में बढ़ रहे उग्रवाद और आतंकवाद के माहौल को लेकर चिंतित हैं। बता दें आपको, NDTV के रिपोर्टर गुरप्रीत के मुताबिक कंगना जब चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर पहुंची थी, उसी दौरान उनके साथ बदसुलूकी की ये घटना हुई। बोर्डिंग से पहले उनकी तलाशी चल रही थी। कंगना किसानों के मुद्दे पर कुछ बात कर रही थी, जिससे CISF की जवान उत्तेजित हो गई और उसने उन्हें थप्पड़ मार दिया। इस घटना के बाद बीजेपी सांसद का एक रिकॉर्डेड बयान सामने आया। उन्होंने इसमें कहा कि मैं सुरक्षित हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। घटना सुरक्षा जांच के दौरान हुई। महिला गार्ड मेरे पार होने का इंतजार कर रही थी, तभी वह साइड से आई और मुझे मारा। उसने अपशब्द कहने शुरू कर दिए। मैंने पूछा कि उसने मुझे क्यों मारा। उन्होंने कहा कि मैं किसानों का समर्थक करती हूं, लेकिन मेरी चिंता यह है कि पंजाब में आतंकवाद बढ़ रहा है। बता दें आपको, फिल्मी दुनिया से कंगना रनौत की राजनीति में एंट्री हुई है। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से उन्होंने चुनाव जीता है। कंगना ने मंडी से हिमाचल प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे दिवंगत वीर भरत सिंह के बेटे विक्रमादित्य को 74,755 मतों से हराया है। ऐसी ही न्यूज़ देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।